कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 2022 की ऐसी मूवी थी बॉलीवुड की जो फ्लॉप नहीं हुई थी, बाकी मूवी बुरी तरह से पिट रही थी। चाहे वो सलमान भाईजान की मूवी हो, चाहे वो अक्षय कुमार की मूवी हो, चाहे वो टाइगर श्रॉफ की क्यों ना मूवी हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों की मूवी जब बुरी तरह से पिट रही थी, तब कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाल करके, इसका सिर्फ बजट 70 करोड़ रुपए था, लेकिन इसने वर्ल्ड वाइड 166 करोड़ रुपए कमाकर एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया और बॉलीवुड का नाम 2022 में इसी मूवी ने रोशन किया। बाकी मूवी बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिट रही थी, लेकिन साल 2023 में टी सीरीज ने भूल भुलैया 3 मूवी की अनाउंसमेंट किया था, जिसमें कार्तिक आर्यन हमारे दिखाई देते, ज्यादा देर के लिए नहीं बल्कि थोड़ी देर के लिए, जिसमें कार्तिक आर्यन ये कहते हुए नजर में आ रहे हैं कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई, मतलब कहानी जारी होगी। उसमें लिखा था कि दिवाली के टाइम पर ये मूवी आएगी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। और इस मूवी के एक्ट्रेस के कास्टिंग की बात करें तो पहले तो कार्तिक आर्यन सबसे पहले हो ही वाले, क्योंकि मेन लीड में ही होने वाले हैं, और दूसरा राजपाल यादव होने वाले, वही कॉमेडियन में नंबर 1, तीसरा संजय मिश्रा होने वाले हैं जो कॉमेडियन के बाप भी कहलाते हैं। और इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो जो मंजीलिका नाम की नर्तकी होती है उसका गला काट देते हैं राजा साहब, उसी की कहानी घुमा फिरा कर दिखाएंगे, लेकिन कहानी भी बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इस मूवी का बजट भी काफी ज्यादा, इस मूवी का बजट है 150 करोड़ रुपए, मतलब कार्तिक आर्यन के कैरियर की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। और ये मूवी दिवाली के टाइम पर रिलीज होने वाली है, तो ये सिंघम अगेन के साथ टकराने वाली है। अरे वही सिंघम अगेन जिसमें अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, टाइगर श्रॉफ है, सिद्धार्थ मल्होत्रा, दीपिका पादुकोण जैसे एक्टर है, तो भाई सिंघम अगेन के साथ क्लैश करने वाली, तो कमाई में कौन सी मूवी आगे होगी ये तो आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा। उसे अगर एक साथ क्लैश करेगी तो भाई बाजी तो सिंघम अगेन ही मारेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये दोनों मूवी क्लैश करेंगी। उसे आप इस मूवी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।